फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ढोकला। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन, 2 कप बेसन, जिसको हम छान लेंगे। अब इस बेसन को एक तरफ रख देते हैं। अब हम बनाते हैं पानी, जिसमें हम इसको घोलेंगे। अब हमें चाहिए 2 गिलास पानी। अब इस पानी में हमें डालना है 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, 1 अदरक और मिर्च का पेस्ट, और ये है साइट्रिक एसिड, 1 चम्मच साइट्रिक एसिड। अब इसी में डाल देंगे हम 2 चम्मच तेल। अब हमें इसे मिक्स करना है, जब तक मिक्स करना है जब तक ये पूरी तरह घुल ना जाए चीनी। अब पानी में हमारी चीनी, नमक और मसाला सब मिक्स हो चुका है। अब हम इस पानी से इस बेसन को घोलेंगे। अब ये हमारा बेसन घुल चुका है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए ढककर रख देते हैं, ताकि हमारा बेसन घुल जाए। इतने हमारा बेसन फूलता है, हम एक भगोने में स्टीम के लिए पानी रख देंगे। 2 गिलास पानी चाहिए इस भगोने में, और इसमें एक स्टैंड रख देंगे जिसके ऊपर हम अपना बर्तन रखेंगे, और हम इसको ढककर अच्छी तरीके से गर्म होने के लिए रख देंगे। अब हमारा बैटर पूरी तरीके से फूल चुका है। अब ये तैयार हो चुका है। बस अब इसमें 1 चम्मच सोडा डालना है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से पहले ही हमें जिस बर्तन में इसको पोर करना है उसे ग्रीस करके रख लेना है। अब आप देखिए, ये हमारा बैटर कितना फ्लफी हो गया है। इसको कम से कम आधा मिनट से 1 मिनट तक रेगुलर चलाना है। अभी काफ़ी फ्लफी हो चुका है, ये देखिए। इसी स्टेज पर इसको अब हमें इसमें पोर करना है। अब हमने पोर कर दिया है, अब इसको टैप टैप कर देते हैं ताकि इसके अंदर की एयर निकल जाए। इधर हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब हमें इसमें इसको रखना है। अब कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढककर ऐसी रख देते हैं मीडियम आंच पर। बीस से 25 मिनट के अंदर हमारा ढोकला बनकर तैयार है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे।
देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब तड़के के लिए हम एक पैन रखेंगे गैस पर और इसमें डालेंगे हम सबसे पहले तेल। तेल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे सरसों। सरसों लगभग 1 चम्मच है। अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, थोड़ी सी हींग, इन सबके भून जाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच चीनी और 1 गिलास लगभग पानी। अब हमारा तड़का तैयार है। अब हम इस तड़के को इस ढोकले पर डाल देंगे। अब हम इसे धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। अब हमारा ढोकला बनकर तैयार है। ये देखिए कितना जूसी, कितना स्पंजी ढोकला बनके तैयार हुआ है।